हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोग कैसे हो? चलो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट, जानदार और शानदार आज एक बेसिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इस टॉपिक का नाम है कार्बीन। कार्बीन, देखो, कार्बीन, कार्बीन के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बीन आर सिक्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कार्बन। देखो, कार्बीन आर सिक्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कार्बन। कार्बीन कुछ एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बीन CH2, ये कार्बीन। कार्बीन इसको भी कहते हैं, देखो, कार्बीन डाइक्लोरोकार्बीन इसको भी बोलते हैं। इस कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन प्लस दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, सिक्स इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं? यहां भी बात हम लोग करेंगे कार्बीन के बारे में। तो कार्बीन के बारे में जो बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है, तो कार्बीन सिक्स इलेक्ट्रॉन प्राप्त कैसे करते? कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स, 1s2, 2s2, 2p2। देखो, ग्राउंड स्टेट में ये 2s में दो इलेक्ट्रॉन और 2p में भी दो इलेक्ट्रॉन है। यहां पे दो अनपेड है, तो ग्राउंड स्टेट से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ उसी को हम लोग कार्बीन बोलते हैं, इसी को हम लोग कार्बीन कहते हैं। यही हमारा क्या है? कार्बीन। देखो, ठीक है, क्लियर है? ये दो इलेक्ट्रॉन फ्री है ना। अब कार्बीन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बीन आर टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट और मोस्ट रिएक्टिव, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। अब इस बेसिक बात बताने के बाद कार्बीन में हम लोग आगे चलते हैं। देखो, ऐड कर देना, कार्बीन के दो ब्रांच होते हैं। कार्बीन का दो ब्रांच, पहला सिंगलेट और दूसरा ट्रिपलेट। देखो, ये सिंगलेट क्या होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, कैसे पता करेंगे ये सिंगलेट है, कैसे पता करेंगे ये ट्रिपलेट है? ध्यान से देखो बेटा, सिंगलेट के मतलब क्या, यहां पे CH2 और दो ऑर्बिटल्स और यहां पे एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं सिंगलेट, और एक ऑर्बिटल पूरा वैकेंट। ट्रिपलेट के मतलब क्या, ये CH2, ये जो दोनों ऑर्बिटल्स देख रहे हैं और दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन, इसको सिंगलेट बोलते हैं, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो, क्योंकि यहां पे इसको जब यहां पे जब इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में है तो इसको हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। और यहां पे हम लोग पारामैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? पारामैग्नेटिक बोलेंगे। इस सिंगलेट कार्बीन में नो अनपेड इलेक्ट्रॉन और यहां पे टू अनपेड इलेक्ट्रॉन
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू अनपेयर्ड के अलग की वजह से इसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट जो सिंगलेट कार्बिन के बारे में बात करेंगे, वहां एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पे क्या बोलेंगे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्लियर है। अगेन पॉइंट, एसपी टू हाइब्रिडेशन का एंगल 120 डिग्री होता है और एसपी हाइब्रिडेशन की एंगल 180 डिग्री होता है। तो सवाल है कि यहां तो एक लोन पेयर भी है, तो एंगल 120 से थोड़ा कम होगा और यहां पे भी एंगल 180 से थोड़ा कम होगा, मतलब एंगल 120 से लेस होगा और यहां भी एंगल 120 से लेस होगा। इसके बारे में बात करें तो इसका जो शेप, इस मॉलिक्यूल का शेप जो होगा इसको हम लोग बेंट बोलते हैं, और यहां पे भी इसको हम लोग होम्स रूल फॉलो करता है, होम्स रूल फॉलोड, होम्स रूल फॉलोड, ठीक है, क्लियर यहां तक। फिर से एक बार देखते हैं, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड या जीरो अनपेयर्ड भी लिख सकते हैं, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एसपी टू हाइब्रिडेशन, दो सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एंगल 120 डिग्री, शेप बेंट और यहां पे होम्स रूल फॉलो, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो अब इससे रिलेटेड एक बात और करने जा रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, जैसे फर्स्ट एग्जांपल CF2, CCl2, CBr2 और CI2। देखो हम इस चारों मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहां पे तुम देखोगे ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, इस तरफ क्लोरीन, यहां पे ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन, और यहां पे देख रहे हो बेटा यहां पे आयोडीन है और इधर भी आयोडीन है, क्लियर। अब किस चारों में, इस चारों कार्बिन ही है, डाइफ्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइब्रोमोकार्बिन, डाइआयोडोकार्बिन, लेकिन इस चारों में स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो कार्बन यहां पे 2p है और यहां पे जो फ्लोरीन देख रहे हो ये फ्लोरीन है, ये भी 2p है, तो 2p 2p के बीच में बैक बॉन्डिंग होगा, बैक बॉन्डिंग के वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, यहां पे भी तो होगा, सही बात, यहां भी होगा, यहां पे 2p पाई से लेकर के 3p पाई होगा, देखो थोड़ा सा ये 2p ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल इसके जो ओवरलैपिंग की टेंडेंसी है ना थोड़ा वीक होगा, और इस जगह पे हम बात करें तो 2p पाई से 4p पाई, और यहां पे बात करेंगे तो 2p पाई से लेकर के 5p पाई होगा, धीरे धीरे बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी कमजोर हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड बनने की चांस कहां पे, डबल बॉन्ड बनने की चांस यहां पे ज्यादा है, तो इसके वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा होगा। अब सवाल उठता है कि कोई सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन में स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, तो सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन के केस में दो कंडीशन अलग अलग है, वो हम बात डिस्कस अभी करेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। हम इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखो, छोटा सा क्वेश्चन क्या है, CF3+ CCl3+ C+ Br3+ CI3+, देखो यहां पे भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अब तुमसे सवाल पूछ रहा है कि इस चारों कंपाउंड की हमको स्टेबिलिटी बताना है, फिर कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहां पे, एक मिनट थोड़ा सा, इस केस में भी CF3+ है ना, ये CF3+, देखो यहां पे भी ध्यान दो, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, और यहां पे प्लस चार्ज, जिस कार्बन प्लस चार्ज है
तो यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इस कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहां पे क्या है लोन पेयर है, देख रहे हो यहां पे क्या है लोन पेयर इस तरह से, तो यहां पे भी बैक बॉन्डिंग की चांस है, बैक बॉन्डिंग की वजह से यहां पे भी 2p पाई के बीच बैक बॉन्डिंग बनेगा, और उसके वजह से फिर इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा ज्यादा होगा, जैसे यहां पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहां पे प्लस, यहां पे कार्बन प्लस, यहां पे ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन और यहां पे भी ब्रोमीन, यहां पे कार्बन पे प्लस, यहां पे आयोडीन, इधर भी आयोडीन और इधर भी आयोडीन, उस केस में देखो यहां पे 2p पाई, तो फिर यहां पे क्या होगा बेटा बोलो, 2p पाई से लेकर के 3p पाई होगा, यहां पे क्या होगा 2p पाई से लेकर के 4p पाई होगा, यहां पे क्या होगा बोलो 2p पाई से लेकर के 5p पाई होगा, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है क्लियर है, कोई डाउट एनीवन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से, देखो तो कार्बिन का जो बेसिक फंक्शन बता दिया, अब हम लोग ले चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, यहां पे ध्यान जो रहा कि फॉर्मेशन, कार्बिन का फॉर्मेशन कैसे करते हो, अब हम लोग बात करने जा